कूटा गया है और उसमें पानी डाल के किया जाता है, पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, सदगुरु ने कहा है बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम जाने। दुनिया में बहुत दुख है, संसार दुख की खान है, इससे तब बचोगे जब राम को जानोगे। एक तरफ दुख है, एक तरफ राम है। राम में लग जाओ, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। राम क्या है, दुख क्या है? दुख तो सब देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए देख नहीं पाते। सब दुख भोगते हैं और सुख की लालसा में पड़े रहते हैं, उन्हीं वस्तुओं के प्रति उलझे रहते हैं जहाँ से दुख मिलता है। भोगों से सबको दुख मिलता है और भोगों से ही सुख की कामना होती है। भोग का अर्थ है इंद्रिय मन द्वारा विषयों का संयोग, जिसमें हम राग करते हैं, राग पूर्वक संयोग। इंद्रिय मन द्वारा विषयों का राग पूर्वक संयोग, ये भोग है। आँख रूप को देखती है, यह कहना चाहिए आँख से रूप को देखा जाता है। तो उसमें मन मिला रहता है, मन अनवस्थान हो जाए तो रूप देखते हुए मानो नहीं देखेगा, सामने से कोई चला गया, कोई आया पूछा अमुक आदमी गया है, तो हम कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया, गया है सामने, लगा है कोई गया है, लेकिन मन सहयोग नहीं किया है तो देखते हुए नहीं देखा, सुनते हुए नहीं सुना, बात हो रही है। हम कहते जरा फिर से कहिए तो, क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा नहीं था उसमें। इंद्रियों से अगर मन लगा न रहे तो इंद्रियों से देखते जानते हुए भी हम नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। मन सहित इंद्रियों द्वारा राग पूर्वक विषयों का संयोग, ये भोग कहलाता है। इंद्रिय और विषय सामने हैं, मन भी उसमें लगा है और राग भी है, तो ये भोग है। भोजन करते हैं, भोजन जरूरी है। जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं, हर खाद्य में स्वाद है। मन और जीभ दोनों का सहयोग है, स्वाद का अनुभव होता है और उसमें राग है, तो ये भोग है। जीभ से स्वाद ग्रहण होगा, मन का सहयोग भी है, लेकिन राग नहीं है तो भोग नहीं होगा। कोई कह सकता है इसी प्रकार मैथुन क्रिया भी है, करता है, इंद्रिय और मन का सहयोग है, लेकिन राग नहीं तो भोग नहीं, ये कहना अनुचित है। क्योंकि मैथुन कोई शरीर की रक्षा की चीज नहीं है,
वो तो शरीर को मन को सबको कमजोर बनाता है, तृष्णा बढ़ाता है, निरर्थक क्रिया। गृहस्थ के लिए, संतान के लिए उसमें उतरना ठीक है, बाकी नहीं, उन्हें भी संतान के अतिरिक्त उस क्रिया में पड़ते हैं तो भोग ही में पड़ते हैं। तो भोग उस सीधा सीधा भोग ही है, शरीर के लिए, गुजर के लिए, कल्याण के लिए, किसी चीज के लिए उसकी जरूरत नहीं है। राजे महाराजे भी जो विलासी हुए उनका विनाश हुआ। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आप पढ़िए, थोड़ा पढ़ो तो उठा करके रख देने का मन होता है, इतना प्रपंच है। राजाओं को फंसाने के लिए सुंदरी स्त्रियां भेजी जाएं, वे उनकी सेवा करें, समर्पित कर दी जाएं आदर से मिल करके, और धीरे धीरे वे राजा को खुश करें, बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। उनसे ये कामना की जाए अमुक जगह हम लोग चले, वहाँ बड़ा विलास है, अच्छा ऐसी जगह पर रहें, फिर वो स्त्रियाँ वहाँ ले जाएं, फिर उनकी हत्या कर दें, जहर दे दें, ये कर दें, वो कर दें, बड़ा बड़ा प्रपंच है। रजवाड़ों को फंसाया गया है स्त्रियों को भेजकर, दुश्मनों को जो रजवाड़े थे उनको स्त्रियों को फंसा भेज करके, पूरा काल में हुआ, आज भी राजनेता ऐसी चाल चलते हैं, दूसरे राजनेताओं को स्त्रियों में फंसा करके उनको डाउन करते हैं। तो काम भोग, ये इस भोग सीधा भोग ही है, भोजन कपड़ा निवास ये शरीर के लिए है, लेकिन इसमें राग किया जाए तो भोग हो जाएगा। मकान है, बड़ा बढ़िया मकान है, मकान में रहते हैं, भोग नहीं, लेकिन मकान में राग पूर्वक रहते हैं, राग पूर्वक उसका मनन चिंतन करते हैं तो भोग हो गया। सुख सांचालख मनन जो पुन पुन वस्तुन देख, सो अज्ञान अपार है रच रच दुख को लेख। सुदूर विशाल साहेब ने कहा, सुख सांचालख मनन जो पुन पुन वस्तुन देख, बारंबार वस्तुओं को देखना, प्राणियों को, पदार्थों को देखना ललचाई हुई दृष्टि से राग पूर्वक, और इसमें सच्चा सुख है ये कल्पना करना। श्री विशाल साहब कहते हैं अपार अज्ञान है, ये तो दुख बना बना करके ओढ़ा जा रहा है, जो आज है कल नहीं है, क्षण ही में जिसका कुछ पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उसके लिए क्या राग करते हो। अभी अभी एक यहाँ के इस इलाहाबाद जोन के जो महाप्रबंधक थे, रिटायर्ड हुए हैं गर्मी में, आनंद जी, बहुत बढ़िया आदमी, कई बार यहाँ आ चुके, गर्मी में आए मिलने, गाड़ी से उतरे, अपने हाथ से लेकर के प्रसाद एकदम भक्ति भावना पूर्वक हमारे कक्ष में पहुँचे, बातचीत होने लगी, गद्दे पर बैठते हैं लेकिन सरक करके जमीन में आ जाते हैं, तो मैं कुर्सी लेकर के आगे बैठ जाता हूँ जिससे गद्दे से न सरकें, लेकिन फिर भी गद्दे से उतर करके जमीन में आ जाते हैं, इतने विनम्र है। मैंने कहा, तब की बार आप गद्दे से सरक के नीचे आ गए थे, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठ करके आपके निकट आ गया हूँ जिससे गद्दे से न उतरें। तो हंसने लगे, ये आपको याद है। तो मैंने कहा, कबीर जयंती में आइए। कहे साहब, उसके पहले ही मैं दिल्ली चला जाऊंगा, रिटायरमेंट हो गए। अब जोन का महाप्रबंधक
जब चलता है पूरी गाड़ी उसके लिए चलती है, और जहाँ जहाँ गाड़ी जाती है वहाँ साफ सफाई, इतना प्रबंध, सब कुछ उसके पास होता है, उसकी अपनी सेना, उसकी संपत्ति और जो ऐश्वर्य है महाप्रबंधकों का। लेकिन आज वह दिल्ली में अपने मकान में कई महीने से, और उनके कलम से कुछ होने वाला नहीं, और उनसे कोई मिलने वाला नहीं। अभी कमिश्नर रिटायर्ड हुए हैं तो मिलने आए थे, कुछ दिन हुआ, दूसरे शहर से, तो उनके दो लड़के भी थे। लड़कों ने कहा कि साहब पिताजी बोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 घंटा इस टाइम, 3 घंटा उस टाइम पढ़ता हूँ सदग्रंथ, लेकिन अब कितना और पढ़ूँ, तो बोर होता हूँ। अब जब पद पर थे तो लाइन लगी रहती थी सुबह से मिलने वालों की, और बहुत बढ़िया आदमी थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे। हमारे साधु बताते हैं इसी शहर में थे, इलाहाबाद में, एक सज्जन गाड़ी में फल बहुत कुछ रख करके आए, उसमें 1000 रुपया भी रहा, लाके रखे। उन्होंने कहा ये सब क्यों लाए, ले जाओ अपनी गाड़ी में रखो तब बात करूँगा। तो बहुत विनय किए, तो उन्होंने उसमें से एक फल उन्होंने अपने हाथ से निकाल लिया, कि बस इतना काफ़ी है, हमें सरकार तनख्वाह देती है, उसमें हमारा गुजर बसर होता है। जब वो गाड़ी में ले जा के रख लिए तब उनसे बात की। ऐसे ऐसे अवसर आज भी हैं, आदमी अच्छे हैं, लेकिन खास बात है कि जो संयोग है, ये संयोग का मोह छोड़ना और असंग दशा में स्थित होना, ये असली बात है, इसमें निर्भयता आएगी। पद पर हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, रिटायरमेंट हुआ, सुनसान घर में, तो वहाँ लड़का भी उल्टा पलटा कहने वाला है, पत्नी भी कभी नाखुश हो जाएगी, ये सब चलेगा। वैसे तो पद पर रहते रहते भी ये सब चलता है। एक बड़े अधिकारी ने मुझसे बताया कि साहब दौरे में गया था तो नौकर ने मिट्टी मिला करके रोटी बना दी, क्योंकि वो नौकर मेरी रोटी बनाने की नहीं है, मैंने रोटी बनवाई उससे, तो सोचा होगा कि बार बार बनवाएंगे तो मिट्टी मिला दी, तो आप उससे क्या बनवाओ। तो पद पर रह करके भी झंझट कम नहीं है, कहाँ नहीं झंझट है, हर जगह सहना है, बिना सहे कुशल नहीं। बात यह है कि जहाँ तक संयोग होता है उसमें गर्माहट होती है, वो गर्माहट ही जीव को ठगती है। संयोग स्थिर नहीं है, गर्माहट खत्म होने वाली है, इसमें वृद्ध जनों की जवानी की गर्माहट कहाँ गई। जिनका रिटायरमेंट हो गया उनके पद की गर्माहट कहाँ गई, सब कुछ तो यहाँ खत्म होने वाला है, और इन्हीं वस्तुओं में मोह, ये दुख का कारण है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृद्ध विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना, पातंजल योग दर्शन में कहा गया है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्त विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध ये दुख है। तो अंततः ऋषि कहते हैं दुख में वो सर्वम विवेकिना, विवेकवान की दृष्टि से सब दुख है। भोगों में परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध 4 दुख है। परिणाम खाने बैठे स्वाद लगा, जम के खा गए, इसीलिए आप लोगों को भोजन जो दिया जा रहा है नमक कम दिया जा रहा है। नमक वैसे कम खाना चाहिए, ये बात नहीं कि नमक बिल्कुल न रहे,
तब भी असावधानी की जाएगी, ज़्यादा खा लिया जाएगा, क्योंकि नमक छोड़ करके जब खाया जाता है और अगर देर काल तक नमक छोड़ के खाया जाता है तब नमक की याद भी नहीं रहती है। और बिना नमक के भोजन बहुत मीठा लगता है, असावधान हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा खा लेगा। स्वाद तो हर वस्तु में है, नमक डाल करके हम असली स्वाद को दबा देते हैं और नमक का स्वाद रहता है। सब्जी उबाल के बनाएं तो सब्जी का अपना स्वाद होगा, छौंक बघार करके मिर्च मसाले डालेंगे तो मिर्च मसाले का स्वाद होगा, सब्जी का स्वाद नहीं रहेगा। हर वस्तु में स्वाभाविक स्वाद है। स्वाद में भूल गए, ज़्यादा खा लिए, परिणाम में तकलीफ होगा, घंटों परेशान रहेंगे, किसी भी भोग में पड़ेंगे तो परिणाम दुख है। कहीं मोह करेंगे, मोह करने में अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में दुख आएगा। दशरथ ने कैकेयी में मोह किया तो उसी से उनको प्राण पीड़ा लगी। उधर राम में मोह कि भरत को गद्दी न मिले, राम को मिले, ये दोनों के कारण उनको प्राण पीड़ा लगी। गद्दी के अधिकारी भरत थे शर्त के अनुसार। जब दशरथ का विवाह कैकेयी से हुआ है, ये व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का, वहाँ की लड़की थी कैकेयी। कैकेयी के पिता ने कहा कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चे की गद्दी अगर हो, आप शर्त करें तो मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं। दशरथ ने मोहवश कहा मैं स्वीकारता हूँ। वही शर्त उनको काटती थी, उनके मन को, कि कब राम को गद्दी दो। तो जब भरत शत्रुघ्न के सहित चले गए ननिहाल पंजाब, तब दशरथ ने राम को गद्दी देने की बात की। वाल्मीकि रामायण में खुलासा है, सभा में कहते हैं दशरथ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राम हमसे हर बात में आगे हैं, अब उनको गद्दी दे दी जाए और हमें विश्राम चाहिए। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग विचार हैं। सब ने कहा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि भरत को बुलाओ, वशिष्ठ ने भी नहीं कहा। अगर ये घटना सच है तो बहुत बड़ी असावधानी है, आत्मा इतनी तानाशाही है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। और परिणाम जो हुआ आप जानते हैं। तो शाम को दशरथ ने राम को बुला के यहाँ तक कह डाला कि कल ही तुम्हारी गद्दी हो जाए, क्योंकि सज्जन के मन का बदलना भी होता है। भरत तुम्हारे छोटे भाई हैं, साध स्वभाव है, तुम्हारे अनुगामी, लेकिन उनका भी मन बदल सकता है। इसलिए जब तक नगर से दूर है तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए। ये खुल करके दशरथ कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। राम चुपचाप सुनते हैं, कुछ भी विरोध नहीं करते। कहते मैं वशिष्ठ को भेजता हूँ, वे दीक्षा देंगे, तुम दोनों प्राणी जमीन पर कुछ घास पर सो, व्रत के अनुसार कल गद्दी हो जाए। और ये सब मोह कितना विकार पैदा किया। राम और सीता के मन का मोह स्वर्णमय हिरण के लिए कितना दुख पैदा किया। इस धरती आकाश के बीच में कहीं कोई हो, साधु हो, गुरु हो, वह भी कहीं मोह करेगा, बंध जाएगा। मोह न करना साधुत्व गुरुत्व है, वे साधु गुरु नहीं। निर्मोह दशा कल्याण दशा है। कोई भी कहीं मोह करेगा फंसेगा।
परिणाम दुख होगा। तत्काल अच्छा लगता है भोग, लेकिन परिणाम दुखद है। परिणाम ताप, भोगी मनुष्य के मन में ताप होता है, जिसे किसी प्रकार की भोग की इच्छा है उसका चित्त जलता है। राजा लोग ये परेशान रहते हैं कि हमारी गद्दी कोई ले न ले। कौटिल्य अर्थशास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि राजा को चाहिए अपने लड़के को ऐसा भोजन दे उसमें विष मिलाकर कि धीरे धीरे रोगी होके कमजोर हो जाए, क्योंकि कहीं बलवान रहे और गद्दी ले ले तो क्या होगा। ऐसी घटनाएं हुई हैं, पिता को मार करके लोग गद्दी बैठे हैं, जेल में डाल करके बैठे हैं। जब महंत को मार करके महंथी लेते हैं, गुरु को मार के गद्दी लेते हैं, तब और क्या कहा है। ये बात नहीं है कि सब चेले गुरु को मार के गद्दी लेते हैं। कितने शिष्य हैं जो गद्दी वद्दी कामने उनके मन में नहीं, निष्काम, अब अधिकतम ऐसे ही। लेकिन ऐसे होते हैं शिष्य कि गुरु को मार के गद्दी लेते, पूर्व महंत को मार के गद्दी लेते, क्या कारण है? भोग की लालसा। तो भोगी के मन में ताप रहता है, हमारी कोई गद्दी ले न ले। तो राजा को चाहिए कि ऐसा भोजन दे लड़के को जिससे वो बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए। तब हुआ कि राजवंश नष्ट हो जाएगा, तो उसको सीमांत प्रदेश में एक मकान बनवा दे, वहीं रख दे। तो सीमांत प्रदेश में रहे और दूसरे राजा से मिल करके चढ़ाई कर दे पिता पर, तब क्या होगा। इतना लिखा है। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र में थोड़ा देखता हूँ तो 10 मिनट में जीव उब जाता, अलग रख देता हूँ। इतना प्रपंच है ये प्रपंच। क्यों? भोग की इच्छा, इसलिए ताप है। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति है और उठ रहा है, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि, उसकी शालीनता, उसका सेवा भाव, उसका सदाचार, उसकी विद्वता, ये सब बढ़ रहे हैं, तो हमें भय होता है, अरे ये तो बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोग की इच्छा, तब ये ताप है। भोग की इच्छा न हो तो ताप खुशी होगी, हमारे साथ वाले हमसे बढ़ जाए, हम बिल्कुल किनारे हो जाए, हमारी जरूरत नहीं, कल्याण के लिए हम आए हैं, अगुवाई करने के लिए नहीं। घर में रह करके भी, कहीं भी, निष्काम पुरुष ही सुखी होता है। तो ताप दुख होता है भोगी को, अपने से अधिक वाले को देख करके ईर्ष्या होती है। बड़ा मकान हमारे पास किसी बन गया तो मन जलता है, अच्छी कार किसी के पास आ गई तो मन जलता है, किसी की प्रतिभा देख करके मन जलता है, क्योंकि मन में भोग की भावना है। दुनिया की सब अच्छी चीज मुझे मिले, प्रतिष्ठा मुझे मिले, जो मैं कहूँ वही सम्मान है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जो साधु ये चाहता मैं मठ का मालिक बनूं, सारा ऐश्वर्य मेरा रहे, मेरे मत के लोग, दूसरे मत के लोग मेरी ही बात माने, जो मैं निर्णय कर दूं वही माने, दूसरा नहीं, मेरी आज्ञा अनुसार चले, उसको शांति नहीं मिल सकती, वो भटका हुआ है। गृहस्थ विरक्त कहीं कोई हो, घर में है वहां भी यही भावना, यहां भी वही रोग वही है। श्रेणियां दो हैं गृहस्थ विरक्त की, रोग वही है। उस रोग को मिटाने के लिए यहाँ आए हैं। मैंने कल कहा था कि जो सामान्य सदाचार में संतुष्ट हो जाएगा उसके मन में विकार धीरे धीरे पैदा होंगे और फिर से उसका बंधन हो जाएगा,
और जो साधना में चलता रहेगा, सामान्य सदाचार में संतुष्ट नहीं होगा, अखंड वैराग्य, अखंड बोध, अखंड स्थित, पूर्ण निष्काम निर्वाण दशा में स्थित होना है, इसके लिए जो अनुसंधान करेगा और साधना करेगा वो फिर कूड़ा कबाड़ में नहीं फंसेगा। सेवा कर देगा, बस कुछ नहीं चाहिए, सेवा कर देगा, विनयी होके सेवा करेगा। और विनयी होके सेवा करेगा उससे बड़ा कौन है? तो ताप दुख होता है, भोगी के मन में ताप दुख होता है। भोग केवल काम भोग थोड़े है। अगर मेरे मन में है कि मैं जब आऊं तो मेरा लोग आदर करें तो ये मेरे मन का भोग है। सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पा करके मन में प्रसन्नता हो तो मैं भोग में फंस गया। कोई सम्मान कर रहा है, प्रतिष्ठा कर रहा है, हम उदास रहे, निष्काम रहे तो भोग नहीं होगा। तो ताप दुख होता है भोगी के मन में। जो ज़्यादा सम्मान चाहता है, ज़्यादा क्या कुछ भी सम्मान चाहता है, वो हरदम असंतुष्ट रहता है। वो समझता है कि मेरे साथी समझदार नहीं, मेरे लिए उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये भगत लोग भी बड़े बेवकूफ़ हैं, मेरी योग्यता नहीं समझ रहे हैं, ये साथ के साधु भी नहीं समझ रहे, इनको भी अकल नहीं है, जितना मैं योग्य हूँ वैसा करते ही नहीं है। एक जगह मेरा कार्यक्रम था तो दो तीन दिन मेरा 11 दिन का कार्यक्रम था तो 2-3 दिन मेरा व्यवहार देखे लोग, और वो सब लोग अपरिचित थे, गोरखपुर की बात है। पहला कार्यक्रम हुआ था 11 दिन का, तो मेरा व्यवहार देखे जब 2-3 दिन में, तो लोगों को बहुत ही सरलता लगी, बड़े हल्के, कहे महाराज आपके पास तो कोई परेशानी ही नहीं है, हम लोग एकदम फ्री हैं। एक गुरु आए थे तो हम लोग तो परेशान थे, वो कहें जिस जहाँ मुझे ले चलो तो चौकी पर चौकी रखो और खूब सजाओ, मेरे बैठने के बाद 2 तरफ 2 आदमी खड़े रहो पंखा लेकर के। अब महाराज इतना परेशान किए कि हम लोग बहुत दुखी हो गए। अब ये सब क्या नाटक है, ऊँचे बैठना पड़ता है, एक मजबूरी है, और ऊँचे बैठने से कोई लाभ नहीं। मैं ऊँचे बैठ गया हूँ तो ऊँचा हो गया हूँ, तो मेरे सिर पर मक्खी बैठी मुझसे ऊँची हो गई। कोई ऊँचा बैठने से ऊँचा नहीं होता है और नीचा बैठने नीचा नहीं होता है, अपने मन को ऊँचा करने की ज़रूरत है। ताप दुख भोगी के मन में होता है, जलता है उसका मन, परिणाम दुख ताप दुख, संस्कार दुख। भोगों को भोग लेने के बाद उसके संस्कार छाप मन में पड़ जाती है, वो याद करके खटकता। ऐसी प्यारी प्यारी पत्नी थी, इतने इतने सुंदर उसके अंग थे, हाय नहीं रह गई, छटपटा रहा। एक बड़े कहलाने वाले आदमी से मैंने कुशल पूछा, प्रवचन समाप्त हुआ, कहीं रहा? कार्यक्रम था, भीड़ हटी चला, वे मेरे पीछे चलने लगे। मैंने कहा आपके साथी कुशल मंगल, तो जोर से रो पड़े। तो उसका दूसरा आदमी था, मुझसे धीरे से कहा इनकी पत्नी मर गई, जोर से रो पड़े। अंत में 1 साल के बाद सुना कि उन्होंने फांसी लगा ली और मर गए, पंखा में लटक गए और मर गए, पत्नी वियोग में। एक सज्जन मुझसे मिलने आए ही प्रीतम नगर में, कहे महाराज मेरी बहू बड़ी चंचल थी, मैं बाथरूम से निकलूं, शौचालय से निकलूं, बाथरूम में गर्म पानी रखा, स्नान करके निकलूं, मेज पर कंघी तेल दर्पण रखा, जैसे बाल संवार लो पकौड़ी हलवा झट से आ जाए जलपान, बस रोने लगे। महाराज बड़ी चंचल थी, मर गई थी। मैंने कहा किसी का संबंध स्थिर नहीं है, अपना मन क्यों इतना अटका दिए,
अब मेरा कहना क्या प्रभाव डाले, एक वर्ष के बाद सुना मर गए। मरना सबको है, ये संस्कार दुख। लड़का की आंखें बड़ी बड़ी थी जैसे टिकोरा, अब नहीं रह गया। जोर जोर से लोग रो रहे हैं। वहां जो हलवा बना था कानपुर में, बहुत बढ़िया था। वो एक कहानी आती है कि बाग में साधुओं का डेरा पड़ा था और रात में लोग कथा सुनने आए, रामायण की कथा हो रही थी। तो गुढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। साधु गुढ़ तत्व छिपाते नहीं हैं, अगर आरत अधिकारी जो पावें। आरत नाम दुखी, आर्त यानी दुनिया से दुख मानते हैं, कल्याण के लिए इच्छा है, अब अधिकारी हैं, पात्र हैं। तो गुढ़ तत्व उनको सत्य बात बताते हैं। आरत अधिकारी जो पावें, गुढ़ो तत्व न साधु दुरावें। ये चौपाई कथाकार बारंबार कहा करें, गांव वाले अनपढ़ थे बेचारे, सुने 9-10 बजे तक कार्यक्रम हुआ चले गए। गांव से कहे कि देखो आधी रात हो तब चलो। महाराज ने कई बार कहा है, आरत अधिकारी जो पावे गुढ़ो तत्न साथ दुरावे। जब आधियारी रात होगी सुनसान, तब गुढ़ तत्व संत कहेंगे। वे समझे कि आधी रात की अधियारी रात में गुढ़ तत्व संत कहते हैं। तो जब आधी रात हुई तो गांव वाले आए, झुरमुट में इधर उधर बैठ गए। तो एक ने कहा, कहे कानपुर जो गए थे वहाँ जो हलवा बना था, भक्त ने बनवाया था, वैसा हलवा तो लोग नहीं बनवाते। कहे हाँ हुजूर। ओ फिर क्या पूछना। और जब कोटा में गए थे तो मोतीचूर जो उस भगत ने बनवाया था, वैसा मोतीचूर भी खाने को नहीं मिला। कि हाँ तो ठीक याद किया। अब ये याद हो रहा है मोतीचूर हलवा, परेशान है चित्त इस संस्कार दुख, याद कर कर के दुख। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्त विरोध, गुणों की वृत्तियों का विरोध। सतोगुण कहता है भोग का त्याग करो, रजोगुण कहता है अभी भोगो फिर त्याग देना। सतोवृत्ति कहती लेकिन भोग में जितने लोग हैं कहीं सीमा थोड़े, ताश जुआ खेल लो। सतोवृत्ति कहती है जुआ खेलना गलत है। रजोवृत्ति कहती यहाँ कोई ऐसा आदमी थोड़े देख रहा है, खेल लो अभी। ये उदाहरण हुआ, ये नाजायज धन है ले लो फिर आगे न लेना। सतोवृत्ति कहती नहीं नाजायज धन कभी न लो। रजोगुण कहती हम ही थोड़े लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग लेते हैं। इस प्रकार वृत्तियों का विरोध होता है तो चित्त में कष्ट होता है। भोगों में चार दुख हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण विरुद्ध विरोधाच। दुख में सर्वम विवेकिना। पतंजल महाराज कहते हैं विवेकवान की दृष्टि से सब केवल दुख ही दुख है। जहां तक जगत पसारा में मन अटकाओ केवल दुख है। सन 1975 की बात है, अयोध्या जैनपुर में सदगुरु विशाल साहब आए थे। फाल्गुन का महीना था, हल्की ठंडक थी, छत पर धूप ले रहे थे, गमलों में कुछ फूल रखे थे। मैं साहब से विनोद भी किया करता था। साहब से मैंने कहा, साहब ये गमलों में फूल लगे हैं, वातावरण बढ़िया है। तो साहब चुप रहे। तो फिर मैंने कहा, फूल आसपास होते हैं
तो वातावरण अच्छा रहता है। तो साहब कहे कि तुम कितनों को हो हम न मानब, तो हम कहे साहब क्यों नहीं मानेंगे। कहे अरे अपना मन कहीं और झावे के, यानी अपना मन कहीं फूल में फंसाओ तो कहीं मकान में फंसाओ तो कहीं किसी प्रेमी में फंसाओ, यही तो सब अर्थ होता है। साहब तो उतना इकुल नहीं कहे, बस इतने भर गए, अपना मन उलझाना है कहीं, अर्थ है अपने मन को कहीं मत अटकाओ। माया देख कस रहे हुए फूल, जैसे वनस्पति रही है फूल। सदगुरु कबीर ने कहा माया देख करके को भूल रहे हो, ये वनस्पतियाँ फूलती हैं फिर सूख जाती हैं, कुछ नहीं रहता है। मैंने अपने कैशोरी में यानी कोई 14-15 वर्ष की उम्र में गोंडा जिला के बलरामपुर को देखा। उस समय अंग्रेज गवर्नमेंट का राज था और जमींदारी थी, राजा का राज काज वैसे था। तो वह गोंडा वाले यही कहते थे लखनऊ का टुकड़ा है बलरामपुर, आनंद बाग बहुत मनोहर, बड़े बड़े सिंह और अनेक जंतु, छोटा सा था पार्क, कभी नहीं देखा था बड़ा कुछ, तो वही बहुत बड़ा हमें लगता था आनंद बाग। भारत आज़ाद हुआ, सात मार्ग में मैं आया, उसके बहुत वर्षों के बाद उधर मेरा कार्यक्रम था, तो रक्से पर बैठा स्टेशन जा रहा था। रक्से वाले से कहा भैया आनंद बाग जो रहा वो कहाँ है, तो कहे महाराज चलिए दिखाऊंगा। सड़क पर जाते जाते बाएं तरफ कहा महाराज यही है, सब खेत रहा, खेत जोता जा रहा था, एक पेड़ नहीं, मेड़े बनी है, खेत बड़े बड़े ढेले थे, गर्मी महीना था, बिया बाँ जैसा था। आनंद बाग वहाँ कभी रहा चिन्ह भी नहीं था। ये संसार है, सब कुछ परिवर्तनशील है, अपने मन को कहीं फंसाओ दुख पाओ, कहीं न फंसाओ, सेवा करो फंसाओ न। असली साधना है अपने मन को कहीं न फंसाना, अशुभ में न फंसाना, शुभ काम करना लेकिन शुभ के राग में न पड़ना, शुभ काम करना चाहिए शुभ के राग में नहीं पड़ना चाहिए। गृहस्थ में मोह न करो, साधु में भी मोह न करो। साधु संत हैं उन्हीं में मोह कर ले फिर वही बंधन, कहीं मोह न करें, अपने मन को कहीं ना अटकाएं, नहीं तो दुख होना। देह हाड़ चाम का ढांचा, टट्टी की पोटली, फोड़ा फुंसियों का घर, उत्तेजनाओं का घर, ये मांसपिंड में उत्तेजना के अलावा क्या है? इंद्रियों की उत्तेजना है, मन की उत्तेजना है, इन्हीं उत्तेजनाओं का पूर्ण शमन करना कल्याण है। इन उत्तेजनाओं को मार देना अमृतत्व है। बीज अपने को सड़ा करके अंकुर पैदा करता है, सड़ जाता है तब अंकुर नहीं पैदा करता है, उधर अंकुर होता है और उधर वो सड़ता जाता है, अंकुर गुफा रूप में निकलता है, पौधा हो जाता है, तब तक बीज समाप्त हो जाता है, वो बीज ही वृक्ष बना। प्रतिषेध का प्रतिषेध, इसको मार्क्सवाद में कहा गया है, प्रतिषेध का प्रतिषेध, पुत्र जन्मा पिता का प्रतिषेध हो गया,
और पुत्र के पुत्र जन्मा तो उसका प्रतिषेध हो गया, बीज का प्रतिषेध हो गया, पौधा हो गया, पौधा का प्रतिषेध हो गया, वृक्ष हो गया, वृक्ष का प्रतिषेध हो गया, फल फूल हो गए, प्रतिषेध का प्रतिषेध होता रहता है, विनाश से नहीं होता है। पिता का विनाश कर दिया जाए तो पुत्र होगा, विनाश नहीं, प्रतिषेध का प्रतिषेध। बीज अंकुर दे करके अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। इस प्रकार संसार का क्रम चलता है। सेवा करें, निष्काम रहें, लोगों को रास्ता दिखा दें, पकड़ के न बैठे, कुछ भी पकड़ के न बैठे, मलकई पकड़ के बैठना, गुरुआई पकड़ के बैठना, महंती पकड़ के बैठना। घर गृहस्थी में इसीलिए तो सरकार रिटायरमेंट दे देती है, 60 वर्ष तक बैठे न रहो, दूसरे गाने दो। कुछ भी पकड़ करके बैठे तो दुख, कुछ भी पकड़ के न बैठो, सबसे न्यूट्रल, सबसे निष्पक्ष, सबसे अलग थलग अपने को बनाओ, अपनी असंगता को देखो। इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं, केवल दुख दुख दुख। राम को जानोगे तो दुख मिटेगा। राम है अंतरात्मा, स्वयं स्वरूप आप राम हैं। अपने को छोड़ के कहीं कुछ न पाओगे। परोक्ष ईश्वर के विषय में धारणाएं बहुत हैं। भगवान दर्शन देते हैं, भगवान मिलते हैं। दर्शन जिसके होते वो रूप होता है और रूप विषय होता है, वो छूट जाता है। मिलना जहां आप कहेंगे वहीं धोखा होगा। जो कुछ मिलता है छुटता है। अपना आत्मा अनमिल है, अपनी आत्मा को अनमिल कर देना है, मिलना वाला कुछ नहीं। पतंजल के योग दर्शन की महिमा करते हुए राजा भोज ने लिखा है, उन्होंने भी पतंजल योग दर्शन पर लिखा है, तो एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। पतंजल मुनि रुक्ति काव्य पूर्व अजेत सौ पुंस प्रकृत योगो वियोगो वियोग उत्तुते यजा। पतंजल महाराज के योग दर्शन की जय हो, जिसमें प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा गया है। योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। लेकिन योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है वियोग। प्रकृत और पुरुष का वियोग हो जाना, माया ब्रह्म का वियोग हो जाना, जड़ चेतन का वियोग हो जाना, अपने चेतन स्वरूप को जड़ से अलग कर लेना, अपने ब्रह्म स्वरूप को माया से अलग कर लेना, अपने पुरुष स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप को प्रकृति से अलग कर लेना, ये वियोग ही योग है। गीताकार ने भी इसको स्वीकारा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग कर देना योग संगीतम, योग कहा जाता है। योग संज्ञा, योग कथन किसके लिए है? दुख के संयोग का वियोग। जो दुख का संयोग होता रहता है उसको काट देना, ये योग है। दुखी न होना योग है। और दुख वाली वस्तुओं से हटोगे तब ये दशा आएगी। दुख वाली वस्तु क्या है? रागात्मक संबंध। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनविचार रमणी सदा संसार भयंकर भारी, सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। न विचार करने से संसार रमणी प्रतीत होता है, नहीं तो ये भारी भयंकर है। लाश हमारा शरीर लाश बनेगा, पक्का है। जमीन पर लटा दिया जाएगा, लोग गमगीन हो जाएंगे, फिर कहेंगे भाई अब जो करना है करो। कहाँ तक कोई प्यारे के शरीर को रखेगा,
गाड़ेंगे, फूकेंगे, पानी में फेंकेंगे, जमीन पर रख देंगे। ये चार होता है, फुकंत, गड़ंत, लुटंत, बहंत। वेद में चारों का संकलन है। ये निखाताय, प्रोपताय, दग्धाय, चोद्धिता। ये निखाता जो खोद करके गाड़ दिए गए हैं, ये परोपता जो दूर पानी में फेंक दिए गए हैं, ये दग्धा जो जला दिए गए हैं, ये नाम जो, ये दग्धा जो जला दिए गए हैं, ये चोद्धिता, ये च उद्धिता, और जो उद्धिता ऊपर रख दिए गए जमीन पर। पारसी लोग लाश को जमीन पर रख देते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं। हे अग्नि देवता, इन चारों को ले आओ, हम हवन करते हैं, ये खा लें। ऋषि इतने उदार हैं, वह संप्रदाय नहीं है कि जलाने श्रेय दें, गाड़ने श्रेय न दें, उसको श्रेय न दें, सबको श्रेय देते हैं। ये होना है इस शरीर का आज कल में पक्का है, उसकी याद क्यों भुलाएं, किस माया में ढील ढाल पड़े। करो रे मनवाद दिन की तदवीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नयनन भरी है नीर, भाव सागर अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, नाव नबेरा लोग घनेरा, केवट है बेपीर, घर तिरियार धंगी बैठी, मात पिता सुतबीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लयके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अजहू, चेतो माफ हो तकसीर। उस दिन की तदबीर करो, उसके लिए क्या कर रहे हो। परिवार पोसने के लिए तो एकदम एड़ी चोटी तक पसीना बहा रहे हो, दुनिया की राख ठाट के लिए सब कुछ कर रहे हो, चौधराना गाँटने के लिए न्याय न्याय सब कुछ कर रहे हो। इस समय चुनाव चल रहा है, सुनता हूँ ग्राम पंचायतों का उत्तर प्रदेश में, मारा मारी कलह, मालूम होता यही सब प्रधानी और पंचायत का जो रुतबा है यही रोज बना रहेगा हमारे लिए। सब ठंडा होना है, किसी के साथ कुछ रहना नहीं, इसको याद किए बिना कोई पाप से अपने को बचा नहीं सकता है। जो लोग याद रखते हैं कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ रहना नहीं है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से निकलना है, ये सारा दृश्य शून्य होना है, वही पाप से बच सकता है। नहीं तो लोग मदमस्त हैं, शराब पी करके बदहवास, मूर्खता छाई है, दुख सब तरफ, दुख हमने बनाया है, मोह कर कर के दुख बनाया है, उसी मोह के जाल को काट देने वाला दुखी नहीं होता। दुख से बचने के लिए राम को जानना है, आपका स्वरूप राम है। साहिब ने राम बारंबार कहा है, और राम अंतरात्मा के लिए कहा है, अंतरात्मा ही राम है। नानक यह तन मिथ्या जानो, या तन में जो राम बसत है, ताको सांच पिछानो। नानक साहब ने कहा, इस शरीर को मिथ्या समझो, इसमें जो राम बसता है उसको सच्चा समझो। तो नानक साहब ने भी कहा, इस शरीर में रहने वाला जो है वो राम, असली राम है। गोस्वामी जी बाहर राम बहुत कहे, लेकिन अंत में कहे, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी। सत्सई में तो उन्होंने कहा, कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत के काज, तुलसी कह या कुमति सुन, उर आवत अति लाज। सब घट में राम है, तो क्यों बाहर खोज रहे हो। परोक्ष मान करके भी अंत में परोक्ष में संतोष नहीं है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, इस पर समय से चर्चा की जा सकेगी।
हम परोक्ष में भटकते, अपरोक्ष बोध हुए बिना दुख दूर न होगा। आपका स्वरूप आत्मा है, शुद्ध चेतन है, निर्मल है, उसकी याद करो। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है, बालक वृद्ध नहीं है। ये शरीर के भाव हैं। आप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र हैं। आप में कोई दुख नहीं है, कोई घाटा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं है। आप में कोई हान लाभ नहीं, सब हान लाभ झूठे हैं, देह के हैं। आप बिल्कुल निर्मल हैं। आपका कुछ नहीं है, आपका कोई नहीं है, आप किसी के नहीं, यही तथ्य। इस अपने नंगे असंग स्वरूप आत्मा की याद करें, तब दुख दूर होगा। आप बैठे और कल्पना करें, शरीर मेरा छूट गया, कौन सी परेशानी अब है? शरीर के रहते सब प्रपंच है, शरीर ही नहीं है, सब खत्म। भय होता है मेरा शरीर नहीं रहे तो पीछे वाले क्या करेंगे। ये इलाहाबाद के एक सेठ रहे, मिलने आए, अब नहीं है लगता, तो प्रवचन में आवे चले जाएं। एक दिन दूसरे समय आए, उनकी भी उम्र 75-77 से कम नहीं रही। मैंने कहा कुशल मंगल कही महाराज, सब आनंद है, 3 दुकानें हैं, बच्चे सब बैठते हैं, मैं जहाँ चाहूँ बैठूँ न बैठूँ, 3 तल्ले का मकान है, सबके ऊपर मेरे लिए मंदिर बना है पूजा करने के लिए, जहाँ मैं तीर्थ जाता हूँ 4,000 कहता हूँ, बच्चे 8,000 देना चाहते हैं, रात में मेरे पैर दबाते हैं, आज्ञाकारी हैं महाराज, सब सुख है लेकिन नींद नहीं लगती। तो मैंने कहा क्या कारण? कहे महाराज समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा आप सोचते होंगे मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, कि बस बस महाराज यही बात है। तो मैंने कहा 1,000-2,000 वर्ष रुक जाओ। तो हंसने लगे, हम के आपके रहते रहते बच्चे इतने कुशल हैं, अब आज के जमाने में इतना सेवा परायण और आज्ञाकारी हैं, इतना विकास हो गया है, तो क्या परेशानी है? मान लो घट जाएगा तो भी कमाए खाएंगे, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे भी कमाते खाते हैं, बहुत कहा। तो ये मनुष्य की अपनी मूर्खता इतनी गहराई में है, हम सब मूर्ख हैं। अपनी अपनी मूर्खता को हम देखें, दूसरे की मूर्खता नहीं, दूसरे की मूर्खता देना तो बड़ा सरल है, बड़े बड़े विवेकियों की भी मूर्खता साधारण लोग भी देख लेते हैं, उनमें मूर्खता हो चाहे ना हो जान लेते ये मूर्ख हैं, लेकिन अपनी मूर्खता समझना बहुत बड़ी बात है। मेरे न रहने पर क्या होगा, अनादिकाल का जगत चल रहा है और चलता रहा है, चलता रहेगा। आप जैसे मक्खी के समान प्राणी गिनती नहीं है, क्या अहंकार कर रहे हो? राई का दाना समुद्र में गिरा, कोई खोज नहीं पाएगा। ये जीव शरीर छोड़ा, अपने कर्म के अनुसार कहाँ गया कोई नहीं जानता। अव्यक्ताधीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्ताधीन भूतानि, अव्यक्त आदीन भूतानि, आदि भूतों का अव्यक्त है, प्राणियों की शुरुआत अव्यक्त है। हम लोगों का जन्म के पहले कहाँ निवास था अव्यक्त है, पता नहीं, व्यक्त नहीं है। व्यक्त मध्यानि भारत, अय भारत, अय अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, ये मध्य जो शरीर अभी है यही व्यक्त है, यही हम देख रहे हैं। अव्यक्त निधनान्य, निधन हुआ फिर अव्यक्त, मर जाने के बाद कहाँ रहेगा कुछ पता नहीं। तत्र का परिदेवना, ऐसी जगह में रह करके हम क्यों दुखी हैं? ना आगे पता ना पीछे पता, क्यों चल रहे हैं? विवेक से रहो, प्रसन्नता से रहो,
कुछ सत्ता मिटती नहीं है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों नित्य हैं। अपने कर्मों का फल भोग होना है, कर्म सुधारने की जरूरत है। तो सर्वत्र दुख है, वो दुख हमने बनाया है मोह करके, मोह का जाल काटें और अपने आत्मा को पहचानें, अपने आत्मा में विश्राम पाएं। आप लोग घूमना चाहें 5 मिनट घूम लें।